सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 15 और ये इस क्लास की लास्ट स्केल है और हमारी नाइन्थ क्लास की स्केलों का कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा। सॉलिड ज्योमेट्री हम इससे पहले बना चुके हैं, जो इसमें कोण आपके लिए थे, लाइन, एंगल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर, वो भी हम सब बना चुके हैं। तो ज्योमेट्रिकल का जितना भी सिलेबस है, मतलब कि आपका ए पेपर का सिलेबस है, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी लेंथ हमारी है स्केल की 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 59 सेंटीमीटर है और हाइट है 105 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा होने से हमने जो है इसको हाइट में हमने इसकी कागज़ बाट कर रखी है, आप भी देख सकते हैं। कागज़ बाट आपको आती है, नहीं आती है तो आप स्केल नंबर 1 से लेकर के देख सकते हैं। मैंने 4-5 स्केलों की शुरू में कागज़ बाट समझा रखी है, बता रखी है, तो आप वहाँ से कागज़ बाट का तरीका देख सकते हैं। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो स्केल है ये एंगुलर स्केल है, मीन्स ये पैरेलल नहीं है, तिरछी है। ये जो स्केल हमारी है इसमें फट्टी ऊपर से जो है वो तिरछी बनी हुई है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम चाहे तो साइड बना सकते हैं, उससे ये ज़्यादा आसानी से हमारी स्केल बनेगी। साइड से हम इसके प्रोजेक्शन ले सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें साइड ही बनाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें फट्टी जो ऊपर लगी हुई है उसके 2 सेंटीमीटर बाद अंदर को पाए हमारे है, तो हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर पहले काटेंगे यहाँ से, और 2 सेंटीमीटर बाद हमारा है यहाँ पे जो पाए हमारे वो 5 सेंटीमीटर के, तो 2 के बाद हम यहाँ पे लेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम पहले 2 सेंटीमीटर, 2 के बाद हम लेंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे 2 के बाद 5। दो है, 2 के बाद हम लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, ये हमने निशान लगाया है सिर्फ अभी आइडिया के लिए, क्योंकि सबसे पहले इसमें पाए ना होकर के तिरछी लाइन है, तो ये हमने सिर्फ निशान लगाया है ताकि हमें आइडिया रहे कि कहाँ तक है। और हमने जो ये तिरछा हमारा फट्टा है वो है 92 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा है 90 और ये 2 है 92 और 94 96 98, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से ये 92 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम जो है वो 92 काट लेते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमने निशान लगा दिया है 92 सेंटीमीटर का। उसके बाद नीचे को यहाँ से है 2 सेंटीमीटर, नीचे को हमारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो ऊपर से नीचे को अब 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देते हैं यहाँ से इस तरह से, और हम इसको तिरछा मिला देते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बनेगा, पहले हमारी ये फट्टी आनी है तब हमारे जो है वो ये निशान आने हैं यहाँ पे, ये जो हमारी है ये, उसके बाद हमारा ये 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बाहर को छूटेगा, फिर 5 सेंटीमीटर का इसमें पाया हमारा बनेगा यहाँ से इस तरह से। सकता है और हमारी जो ये बाहर की लाइन है इसको अब हम मिटा सकते हैं यहाँ से इस तरह से, ये यहाँ से भी हमारी लाइन मिट जाएगी आगे से, ऊपर जो हमारी है ये लाइन भी हमारी मिट जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये तिरछा है फट्टा हमारा इस तरह से, जो लाइन हमारी मिट गई इसको हम थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर देते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं ये
ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से बनेगा। उसके बाद हमारा यहाँ से नीचे है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम काटेंगे 8 सेंटीमीटर यहाँ से, ये 10 और 8 सेंटीमीटर काटेंगे। पीछे से जो है ये है हमारा, यहाँ पे हमारा ये है 23 सेंटीमीटर है, अब हमने यहाँ पे काट लिया है ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ हमारा है 23 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम जो 23 काट रहे हैं ये हमने यहाँ से काटना है, ऊपर से हमने 23 काटना है, यहाँ से हम जो है ये 23 जो है हमने ऊपर से काटना है, यहाँ से नहीं काटना है, यहाँ से तो हमें 21 लेना पड़ेगा, यहाँ से हमने 23 काटना है। और यहाँ हमने ये 8 सेंटीमीटर काट रखा है, इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर, ये अंदर जो हमारा है वो इस तरह से ये डार्क आएगा, और पीछे हमारा जो है बायो में है ये हमारा डॉटेड है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ फट्टी बनी हुई है नीचे से ऊपर को, वो फट्टी जो हमारी है ये हमारी है नीचे से 12 सेंटीमीटर है, 12 के बाद ये है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइड में सबसे पहले हमने की 12 सेंटीमीटर, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, 12 के बाद हम लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले 12 सेंटीमीटर, देख सकते हैं, इसके बाद हम इनको मिला देंगे, अब हम यहाँ पे इसके डॉटेड जो है वो लगा देंगे 2 सेंटीमीटर के, इस तरह से यहाँ पे भी हम 2 सेंटीमीटर नाप देंगे इसमें, और इधर भी हम डॉटेड के लिए 2 सेंटीमीटर काट देंगे, यहाँ भी हम 2 सेंटीमीटर के लिए डॉटेड काट देंगे यहाँ पे। अब हम इन डॉटेड को मिला देते हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं इस तरह से ये इतनी हमारी साइड बन गई है। अब एलिवेशन में यहाँ पे फट्टी बनी हुई है, वो फट्टी हमने हमारी है 8x2 सेंटीमीटर की, वो फट्टी हमें इसमें लगानी है। उसके लिए हमें इसका आधा करना पड़ेगा, जो आपका इसकी ब्रेड्थ है, टोटल ब्रेड्थ जो हमारी है उसका, या तो हम इसका आधा कर देंगे, या हम लगा सकते हैं आइडिया कि यहाँ से 2 के बाद 5 है, यहाँ भी 2 के बाद 5 है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 और 14 हो जाते हैं, तो 14 सेंटीमीटर हमने घटाना है 59 सेंटीमीटर से, तो ये हमारा रहता है 43 सेंटीमीटर। तो हमने ये 21.5 सेंटीमीटर हमने काटना है यहाँ से, 21 सेंटीमीटर के बाद हमारा जो बीच में आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ से हमने 21 सेंटीमीटर हम काट देंगे, और फिर हम यहाँ से लगाएंगे 2 सेंटीमीटर, ये हमने 2 सेंटीमीटर लगा दिया है दोनों साइड, हम ऊपर भी और नीचे भी फट्टी में इसमें निशान लगा देंगे, ताकि हमारा सही ढंग से प्रॉपर तरीके से कार्य सही हो हमारा, इस तरह से। अब हम इसको डॉटेड यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं। अब जाके हमारी जो साइड है वो बनके तैयार होगी, इस तरह से हमने इसे साइड अपनी बनानी है। हम यहाँ से एलिवेशन अगर इसके स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन भी सीधे ले सकते हैं, और हम यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं इसमें। 92 सेंटीमीटर पे पहले हमने निशान लगाना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है 92 सेंटीमीटर है, इससे नीचे हमने लेना है 2 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फुट्टा लेकर के हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं
ये जो निचला हमारा निशान है आपका आ रहा है, ये हमारा आएगा डार्क यहाँ तक, उसके बाद ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा आएगा डार्क यहाँ तक, इस तरह से पूरा आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने इसमें क्या करना है, पाए हम इसमें लगाएंगे यहाँ से, तो हमारे जो पाए आएंगे वो हमारे है 2 के बाद 5 सेंटीमीटर इसमें है, तो हम यहाँ से पहले 2 सेंटीमीटर काट लेते हैं, फिर हम इसमें काटेंगे 5 सेंटीमीटर यहाँ से 2 के बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ भी हम इसी तरह से इसमें निशान लगा देंगे, निशान तो पीछे तक जाएंगे पर पीछे हमारा यह डॉटेड रहेगा, ये हमारा डार्क जहाँ तक आ रहा है मैं वहीं तक इसके अभी पहले निशान नाप रहा हूँ, लाइन तो पीछे तक इसकी जानी है यहाँ से, तो इसको यहाँ पे पहले इतना ही हम इसको लगाएंगे डार्क यहाँ से इस तरह से, ये लाइन में बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, क्योंकि इसको मिटाते ही हमारी हम जो साइड में लाइन लगाते हैं साथ में लाइन लगाते हैं वो भी हमारी मिट जाती है, जैसे मैं यहाँ मिटा रहा हूँ तो इस तरह से, इससे कई बार ये लाइन भी हम इसके साथ साथ मिटा देते हैं। तो अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं हमारे पाए अब जो है वो अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं इस तरह से। पीछे जो हमने यहाँ पे बनाना है इसके लिए हमने क्या करना है, डॉटेड हमने पीछे लाइन लगानी है, तो हम इसके लिए यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे, ये तिरछा प्रोजेक्शन हमारा आना है यहाँ से, अब इस तरह फुटा लगा दीजिए ऊपर और यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ तक हमने इस तरह से डॉट ऊपर से नीचे अपना स्केल को खिसकाना है इस तरह से, और यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन लगानी है इस तरह से पहले, उसे थे 2 सेंटीमीटर पर तिरछे में ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इस तरह से आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी। अब हम इन लाइनों को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ से डॉटेड इस तरह से, ये भी आएगा हमारा डॉटेड आएगा, अब हमने क्या करना है यहां पे भी हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, इस तरह से पीछे तक डॉटेड जाएगी हमारी लाइन पाए की, और इसमें हमने पीछे से ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर है ये भी हमारा यहाँ पे डॉटेड आएगा यहाँ पे, इसके बाद ये जो लाइन हमारी आ रही है ये यहाँ पे हमने लिखा ना इसका प्रोजेक्शन, यहाँ पे इसमें ये डॉटेड आना है क्योंकि पीछे इसमें फट्टी लगी हुई है, यहाँ पे डॉटेड फट्टी आएगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की पाए के अंदर इस तरह से, इतनी सी फट्टी ये डॉटेड हमारी आनी है पाए के अंदर। इसमें जो कट ये वाले जो कट लगे हैं वो भी हम आएंगे, तो हम पहले हम ये वाली लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाली जो हमारी लाइन है ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसी की प्रोजेक्शन हम साइड में ले लेंगे, साइड से एलिवेशन में हम ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको डॉटेड लगाएंगे इस तरह से, नाप भी देते इसको हम 2 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा 2 सेंटीमीटर पीछे तक जाएगा हमारा डॉटेड इस तरह से, इसको डॉटेड को लगा देंगे इस तरह, आप देख सकते हैं इस
तरह से आपने ऊपर का जो हमारा है ये एलिवेशन है वो इस तरह से बनेगा। नीचे हमने इसी के प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ से साइड के, जितनी यहाँ 40 बनी हुई है इसी तरह से ये एलिवेशन में भी बनेगी हमारी, और यहाँ पे डॉटेड आ जाएगा अंदर, ये 40 भी इसी तरह से बनेगी हमारी, इस तरह से। और ये जो हमने डॉटेड 2 सेंटीमीटर लगा रखा है ये है, यही हमारा जो है यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से बनाना है, इसमें 2-2 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये थोड़ा सा बच गया था यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लिए है इस तरह से यहाँ पे लिया है, उसके बाद हमने ये 2 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन लिया है, उसके बाद जो ये हमारा कट लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसका हमारा प्रोजेक्शन आना है पाए में, ये हमारा थोड़ा रह गया था इस तरह से, ये हमारा प्रोजेक्शन सिर्फ यहाँ पे आना है इतना इन पायों में इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये पीछे डॉटेड आएगा। आगे का जो हमारा है ये जो हमारा यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन हमने लेना है, तो ये हमारा है निचला जो ये जो हमारा आ रहा है ये तो इसी लाइन के साथ आ रहा है दोनों साइड, और जो ये आपका 2 सेंटीमीटर है ये यहाँ से ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा आएगा जो ये कट है, ये जो हमारा पाया आ रहा है यहाँ ऊपर को, इसका जो कट है ये हमारा आएगा यहाँ पर इस तरह से पाए के अंदर आएगा यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे पूरा ये आएगा, और ये 2 सेंटीमीटर जो है ये डॉटेड हमारा जो है वो पूरी लाइन हमारी ये आनी है डॉटेड यहाँ पे इस तरह से। ये जो डॉटेड आया है इसका जो है ये वाला जो हमारी फुट्टी लगी हुई है यहाँ पे इसकी डॉटेड है, और ये जो हमारा कट लगा हुआ है ये वाला जो हमारा है वो ये कट लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो हमारी लाइन आनी है वो यहाँ तक हमारी ये आनी है, ये हमारा पूरा है, ये भी हमारा पूरा आ गया है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है ये कट हमारा रह गया था, और ये हमारी 2 सेंटीमीटर की लाइन रह गई थी, और पीछे ये वाला जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो है ये कट हमारा सिर्फ पाए में डॉटेड ये आना है, क्योंकि यहाँ पे ये तिरछा कट लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये इस तरह से शो होना है। इस तरह से हमारी एलिवेशन जो है वो बन के तैयार हो गई है, तो हमारे एलिवेशन और साइड दोनों बन गई है। अब हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं प्लान बनाने के लिए, तो सबसे पहले जो हमने 2 सेंटीमीटर छोड़ रखा था उसके बाद हमने पाया लगाया, इसके हम प्रोजेक्शन लेंगे, फिर ये 2 सेंटीमीटर है, फिर हमारा 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद हमने ये प्रोजेक्शन लेना है यहाँ से, 2 सेंटीमीटर की जो फट्टी बीच में लगी हुई है, और ये हम प्रोजेक्शन लेंगे 2 सेंटीमीटर का, ये हमारा पाया आ जाएगा इस तरह से, हमें ये लेना है, और बाहर को ये हमारा पूरा छूट गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पे निशान लगाना है इसके सेट स्क्वायर से, प्लान के लिए आप चाहो तो फुट्टे से भी नाप सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं से भी प्रोजेक्शन इसका ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ इस तरह से, हमारा 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर छूट गया है, उसके बाद ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, फिर हमारा 5 सेंटीमीटर,
तरह से आप देख सकते हैं, ये निशान हम दोनों साइड भी लगा सकते हैं इनको। इस तरह से, और हम इसको लाइन भी लगा देंगे, हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देते हैं इस तरह से, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे भी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये जो ऊपर से हमने लाइन लगा रखी है ये भी हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से। इसके अंदर हमारे पाए बनने हैं तो हम यहाँ पे पाए बना लेते हैं। पहले 5x5 के पाए इसमें बनने हैं, तो यहाँ से हम डॉटेड 5x5 के पाए छोड़ देंगे इस तरह से। ऊपर से भी हम इसी की प्रोजेक्शन ले लेंगे। यदि हम इस तरह से कार्य करते हैं तो हमारा कार्य जल्दी हो जाता है और हमें समय कम लगता है, ताकि पेपर में हम जो दूसरा ज्योमेट्री का कार्य है उसको भी अच्छे से कर सके। इस तरह से हमारे अभी पाए बन गए हैं। अब तो हमने बनाना है इसमें 2-2 सेंटीमीटर की जो हमने बीच में लाइन लगाई डॉटेड लगाए थे उनके प्रोजेक्शन हम यहाँ लेंगे 2-2 सेंटीमीटर के इस तरह से। ये हम देख सकते हैं यहाँ से भी हम इस तरह से लेंगे 2-2 सेंटीमीटर सकते हैं। ऊपर से भी हमने ये जो हमने 2 सेंटीमीटर लगा रखा है यहाँ लगा रखा है, इसी के हमने प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के ये, और यहाँ पे भी ये 2-2 सेंटीमीटर है इस तरह से। हमारी प्रोजेक्शन इसके 2-2 सेंटीमीटर के आना है। बीच में ये 2 सेंटीमीटर की फट्टी बनी हुई है इसमें, ये 5x2 की है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पे इससे। ये जो हमारी 5x2 की फट्टी आई ये इसके बीच में आनी है यहाँ पे से। ये हमारे 2 सेंटीमीटर की फट्टी है ये देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा प्लान जो है वो भी बन के तैयार हो गया है इस तरह से। आपने भी इसको अच्छे से सफाई के साथ बनाना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिले। इसमें यहाँ हमने इसमें स्केल नंबर जो आपने इसमें यूज किया है वो हमने बनाना है, और इसमें हमने फुट्टा यूज कर रखा है 1.10 सेंटीमीटर का, वो फुट्टा आपने यहाँ पे इसमें बनाना है तभी आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। अच्छे से आपने इसमें फुट्टा बनाना है इस तरह से। आज आपका कार्य स्केल ड्राइंग का जो आपका कार्य है वो कम्प्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपने भी इसको सफाई के साथ बनाना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिले।